क्वेश्चन नंबर 29, अ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर हेक्सागन विच इज फॉर्म्ड बाय करंट कैरिंग वायर। ठीक, तो इस करंट कैरिंग वायर जो है वो एक हेक्सागन को फॉर्म कर रहा है, करंट कितनी है आई और उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो यहां एक साइड को देखते हैं, एक साइड की लेंथ कितनी है ए, ये मैंने इस साइड की एक एंड को मिला दिया, ये दूसरी साइड की एक एंड को मिला दिया इस पॉइंट ओ से जहां मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक, और ये है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। ठीक, ये एंगल होता है हमारा 60 डिग्री, ये एंगल कितना होता है 60 डिग्री, ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और ये एंगल भी हो जाएगा 30। क्लियर, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस वायर की इस पॉइंट ओ से, डी इज इक्वल टू ये है डिस्टेंस ए, ये हो जाएगा ए साइन 60, ए साइन 60, तो डी इज इक्वल टू ए रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमने डी कैलकुलेट कर लिया। इस वायर की वजह से जो है वो एंगल है एक थीटा 1 जो कि है 30, एक है थीटा 2 जो कि है 30। अब हम जानते हैं कि सारे के सारे वायर्स की वजह से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड में तो सेम होगा और डायरेक्शन में भी आउट ऑफ द पेज है, डायरेक्शन में भी आउट ऑफ द पेज है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ इज इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डी की वैल्यू आ जाएगी ए ए रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, साइन 30 प्लस साइन 30। क्लियर, और क्योंकि ये सारे के सारे जो है बाय सिमेट्री हर एक के लिए, अगर मैं देखूं इस वाली वायर की वजह से यानी कि इस वाली साइड की वजह से सेम सिमेट्री आएगी, इस वाली साइड की वजह से भी सेम सिमेट्री आएगी और सबके लिए जो है वो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज है, इसलिए सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड में जोड़ सकता हूँ, इसलिए इसको मल्टीप्लाई बाय 6 में कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड से इसलिए 6 से मल्टीप्लाई किया और ये हो जाएगा आउट ऑफ द पेज डायरेक्शन। ठीक, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा इसका, बी एट ओ इज इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, तो सिमेट्री से हमने इस क्वेश्चन को इजीली जल्दी से सॉल्व कर लिया।